नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में बदलाव का ब्लूप्रिंट, गहलोत दिल्ली में करेंगे आला कमान से मुलाकात, पायलट भी भर सकते हैं उड़ान। आखिर कैसे होगा प्रशासन शहरों की ओर अभियान की शुरुआत, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने किया पैन डाउन। सिरोही में पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। 1 साल बाद आए फैसले में दुष्कर्मी को फांसी की सजा। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य अब ठीक है। उन्होंने एक बार फिर वीसी के माध्यम से मीटिंग की शुरुआत कर दी। 2 अक्टूबर को सूबे के मुखिया प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कब दिल्ली जाते हैं और राजस्थान के राजनीतिक मसलों का ब्लूप्रिंट कब तैयार होता है। कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को प्रशासन गांव के संघ और शहरों के संघ कार्यक्रम के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और वहां कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर राजस्थान के लिए आगे का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान सरकार एक और आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन शहरों व गांवों की ओर अभियान के लिए सभी तैयारियां कर ली है। इस बाबत सभी जिले प्रभारी मंत्रियों को जिले में इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए भी नियुक्त कर दिया, लेकिन राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर पैन डाउन शुरू कर दिया। प्रशासन शहरों व गांवों की ओर अभियान में पटवारी, ग्राम सेवक और नायब तहसीलदार व तहसीलदार सहित अनेक कर्मचारी विशेष भूमिका रहती है। अगर ये अधिकारी व कर्मचारी इस अभियान में उपस्थित नहीं होंगे तो ये अभियान सफल कैसे होगा। ये मामला काफी हद तक सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। अगर सरकार इस परिषद की मांगे नहीं मानती तो ये परिषद अपने कार्यों का पैन डाउन के साथ साथ इस अभियान का बहिष्कार भी करेगा। इससे आमजन के कार्य पूर्ण नहीं हो सकेंगे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में राजस्व सेवा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सोमवार को तहसील कार्यालय के बाहर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट को ज्ञापन भी दिया। सरकार के साथ राजस्व सेवा परिषद के समय समय पर विभिन्न समझौते हुए, लेकिन सरकार ने उन समझौतों को लागू नहीं किया, जिससे विवश होकर के राजस्व सेवा परिषद को आज एक दिन का पेन डाउन करना पड़ रहा है और 29 तारीख को राजस्व मंडल अजमेर का घेराव राजस्व सेवा परिषद द्वारा किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार हमारी नहीं मानती है तो प्रशासन गांवों के संघ जो अभियान है सरकार का, उसे उसका बहिष्कार राजस्व सेवा परिषद द्वारा किया जाएगा। मनीष चौधरी, पटवार संघ अध्यक्ष नाम, आज हमारा नाम है, आज राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की तरफ से संपूर्ण राजस्थान में एक दिन पैन डाउन का घोषणा की गई है। इसके तहत सरकार इसका मूल कारण सरकार द्वारा समय समय पर किए गए समझौतों की पालना नहीं करना और राजस्व के कर्मचारियों के साथ जो भी व्यवहार रहा है उसके संबंध में आज धरना दिया जा रहा है। इस संबंध में आज 27 तारीख को पैन डाउन रहेगा, 29 तारीख को राजस्व बोर्ड अजमेर का घेराव किया जाएगा और तब तक अगर किसी भी प्रकार का हमारी जो मांगों को नहीं माना जाता है तो 2 अक्टूबर से राजस्थान प्रशासन गाँव के संघ अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान राजस्व की रक्षा की जाएगी। सिरोही से खबर, जहां पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। 1 साल बाद आए फैसले में दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई। सिरोही स्पेशल जज अजिताभ आचार्य ने अपने फैसले में कहा कि 8 साल की बच्ची जो खुद का बचाव नहीं कर सकती, उसके साथ दुष्कर्म हुआ फिर हत्या कर दी, यह राक्षसी कृत्य दर्शाता है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। सिरोही के अनादरा थाने में एक महिला ने गत 25 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि उसकी 8 वर्षीय बेटी 2 भाइयों के साथ नहाने गई थी, वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसे ढूंढना शुरू किया। उसके बाद बताया कि वह उपला गोलिया तेलपी खेड़ा निवासी भारमल राम उर्फ नौका राम गरासिया के साथ बहन को आखिरी बार देखा गया। बच्ची को ढूंढने पर उसकी लाश मिली। बच्ची के चेहरे, हाथ पैर पर अन्य स्थानों पर चोट के निशान भी मिले।
जिसे पीठ पर भी खरोंच थी। इस मामले में मेडिकल बोर्ड के बाद पुलिस ने दुराचार व हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 45 दिन के अंदर इस मामले का आरोप पत्र 19 नवंबर 2020 को न्यायालय में पेश कर दिया। इस आरोप पत्र में न्यायालय में कुल 24 गवाह पेश किए। वहीं पीड़ित व दोषी नौकाराम की डीएनए जांच करवाई, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नौकाराम ने खुद के बचाव के लिए यह भी कहा कि पुलिस उसे जबरन मामले में फंसा रही है, यह सही नहीं पाया गया। ट्रायल के दौरान 24 गवाहों के बयान करवाए। इसके बाद बालिका के साथ दुराचार व गला घोटकर हत्या कर दोषी पाया गया व सिरोही के पोक्सो विशेष न्यायालय में आज दोपहर फैसला सुनाया गया। दोषी नौकाराम उर्फ भारमाराम पुत्र मालाराम 24 वर्ष गरासिया निवासी तेलपाखेड़ी अनादरा सिरोही को फांसी की सजा दी गई। बसी उपखंड के बासकवा कस्बे के झरगांव में महिला की लाश मिलने के मामले में ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना 8 घंटे बाद उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया और परिजनों ने शव को ले लिया। हालांकि अभी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बता दें कि मृतक का बनारसी देवी रिको एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करने गई थी, जो शनिवार देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं ग्रामीणों व परिजनों ने दुष्कर्म कर महिला की हत्या कर शव डालने की आशंका जताई है। घटना के बाद जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित परिजन व ग्रामीण सड़क पर आकर धरने पर बैठ गए। इसके लिए प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? परसों एक महिला की हत्या करके और शव डाल दिया था इधर गांव में। उसके बाद जब पुलिस को उसकी सूचना मिली, उसके बाद से सबके शिकार की गई और जो भी अनुसंधान है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अपराधियों की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में महिला जिस गांव की निवासी है मास्को, वहां के ग्रामीणों ने रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया था। इस संबंध में उनकी मांग ये थी कि पीड़ित परिवार को कुछ सरकार की तरफ से लाभ दिलवाया जाए। उसमें डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया जी मौके पर उपस्थित थे, क्योंकि महिला एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ऐसे प्रकरण में कुछ कंपनसेशन जो भी नियमानुसार मिलता है, ये आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही उस प्रकरण को जो कमेटी है उसमें रखा जाएगा और जो भी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि है वो उस परिवार को मिले। दूसरा, उन्होंने ज्ञापन दिया कि इस परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। उनके ज्ञापन को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। जो भी है हमारी तरफ से नियमानुसार जो मदद होगी। अलवर जिले में सोमवार को शहीद भगत सिंह की जयंती श्रद्धा से मनाई गई। भगत सिंह की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा भगत सिंह चौराहे पर अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गाँव खटखट कला है, जो भारत पंजाब में है। भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के फंदे को चुमा और देश के नागरिकों को यह नसीहत दी कि प्राणों से ज्यादा देश की आजादी की जरूरी है। हमें शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उनके सपने को साकार करते हुए देश प्रेम रूपी ज्वाला को हमेशा अपने दिल में जगाए रहना चाहिए। भगत सिंह जी का जन्मदिन है 28 सितंबर सन 1907 को। फैसलाबाद पाकिस्तान के गांव बावली में इनका जन्म हुआ था। जब पाकिस्तान नहीं बना था, वो हिंदुस्तान का हिस्सा था। ऐसे समय में छोटी सी उम्र में हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और देश के युवाओं को, देश के आम नागरिकों को ये नसीहत दी, ये सलाह दी, इस बात के लिए उनको मोटिवेट किया कि प्राणों से ज़्यादा देश की आज़ादी ज़रूरी है, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और उसी का परिणाम है कि आज हम आज़ाद देश में निवास कर रहे हैं। हम सबको जो यहाँ आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से समस्त कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं, शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी। हम सब मिलकर के
देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना जो आदमी देश की अखंडता को खंडित करने की सोचता है उसके खिलाफ लड़े, जो जातिवाद फैलाता है उसके खिलाफ लड़े, जो इस देश में आतंकवाद फैलाता है उसके खिलाफ लड़े, और देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठा है उसका अंत्योदय करे, उसको आगे लेकर के आए, और समान विचारधारा सबकी हो और आगे हमारे देश का विकास जब भी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के चलेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और देश को सर्वोपरि समझेंगे, देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि समझेंगे। आज सरदार भगत सिंह जी को हम जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और देश की एकता और अखंडता को जो ताकतें ख़त्म करना चाहती है उनके खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। भीनमाल में नर्मदा संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे भीनमाल नर्मदा मांगे नर्मदा का नीर आंदोलन को लेकर आज भीनमाल में चक्का जाम किया गया, सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी, साथ ही कचहरी रोड पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हुई, जहां से अम्बेडकर सर्कल तक पैदल रैली निकाली। अम्बेडकर सर्कल पर लोगों को दोगे द्वारा विरोध किया गया, वहीं रानीवाड़ा रोड व राम सिंह रोड पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जहां से वाहनों की आवाजाही बंद है। खबर बारा के छबड़ा से, जहां बापचा पुलिस द्वारा मोतीपुर थर्मल के किए गए एक इंजीनियर की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी थर्मल के अभियंताओं ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर थर्मल गेट पर 2 घंटे कर तक प्रदर्शन और धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे अभियंताओं ने बताया कि चोरी करने आए युवकों की पिटाई वाली घटना 7 सितंबर 2021 रात्रि 3 बजे के, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज में घटना 15 सितंबर की दिखा रही है, जो कि गलत है। पुलिस द्वारा उक्त मामले में गिरफ्तार किए गए सहायक अभियंता कालाराम मीणा उस समय रात्रि में थर्मल में नहीं थे, पुलिस द्वारा उन्हें निर्दोष फंसाया जा रहा है, जिसका हम सब निंदा करते हैं। पुलिस पर राजनीतिक नेताओं के दबाव से काम करने का आरोप लगाते हुए अभियंताओं ने थर्मल में लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने की मांग की है। जब तक सहायक अभियंता कालाराम मीणा को बरी नहीं किया जाता तब तक प्रत्येक दिन अभियंताओं का कार्मिक अनशन जारी रहेगा। वहीं शाम 7 बजे थर्मल में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। आपको बता दें उक्त मामला थर्मल के सुरक्षा गार्डों द्वारा चोरी करने आए 2 युवकों को नग्न कर मारपीट के वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। विराटनगर के विधानसभा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने सोमवार को पावटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक जल पहुंचाने की योजना अनूठी पहल है। इस योजना से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना की वाहवाही राज्य सरकार ले रही है, जबकि आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होगा। पावटा में राजस्व सेवा परिषद राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आदेश अनुसार पावटा तहसील मुख्यालय के कर्मिकों ने एक दिन की पैन डाउन हड़ताल करते हुए लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पावटा को ज्ञापन सौंपा। इसके तहत तहसील कार्यालय पर धरना देकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान परिषद की लंबित मांगों पर आकर्षित किया। नारेबाजी के दौरान SDM राजवीर सिंह और सभी ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार राजवीर सिंह और पटवारी संघ अध्यक्ष शशिधर यादव ने बताया कि लंबित मांगों को बहुत समय बीत गया लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि कई बार सरकार को अवगत करवाने के बावजूद भी इसे अनदेखा किया गया। वहीं पावटा की पंचायत समिति सभाकावर में सोमवार को साधारण ग्राम सभा की पहली बैठक का आयोजन विराटनगर विधायक इंद्राज गुजर की मुख्य अतिथि व प्रधान पूजा चौधरी की अध्यक्षता में विकास अधिकारी नीरू मीणा व तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के विशिष्ट अतिथियों में किया गया, जिसमें ग्राम कार्यों को लेकर नवनिर्वाचित जिला पार्षद, ग्राम पंचायत सरपंच, पावटा ब्लॉक अधिकारी सहित विभागीय अधिकारियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर यादव, कृषि पर्यवेक्षक रमेश भारद्वाज, चिकित्सा विभाग से नोडल अधिकारी रवि कुमार जांगिड़ सहित अन्य विभाग संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना गंज डुडवारा के क्षेत्र अंतर्गत कादरगंज रोड ताज इंट भट्टा पर से एक ट्रैक्टर स्वराज 735 में ट्रॉली से चोरी हो गया। इसका मुकदमा गंज डुडवारा कोतवाली में पंजीकृत किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रसाद बोने प्रमोद बोने ने इस घटना को अतिशीघ्र निवारण करने के लिए 2 टीमें गठित की। क्षेत्र अधिकारियों व पटियाली आर के तिवारी व गंज डुडवारा कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह के नेतृत्व में गंज डुडवारा पुलिस ने खास मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर चोर गैंग का खुलासा। गंज डुडवारा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा।
वहीं जनपद कासगंज की तहसील सावर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा भारत बंद आह्वान पर एचपी मैरिज होम सावर तहसील तक धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अध्यक्ष संजय प्रजापत द्वारा बताया कि भारतीय किसान यूनियन किसानों को ललकारा है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा निकालकर आक्रोश किया व जिला अध्यक्ष शाहजी वासिफ खान, राकेश प्रजापति और धर्मवीर द्वारा ज्ञापन तहसील सावर में दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।